पाकिस्तान ने जनरल कमर बाजवा को दोबारा आर्मी चीफ बनाया, या इसके पीछे है इमरान की कोई मजबूरी या कोई बड़ा दांव? भारत के साथ तनाव और अफगानिस्तान शांति वार्ता के बीच पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल 3 साल तक बढ़ा दिया गया है। 58 साल के बाजवा अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद नवंबर महीने में रिटायर होने वाले थे, लेकिन इमरान खान ने सोमवार को उनका कार्यकाल आगे बढ़ाने का ऐलान किया। आपको बता दें कि जनरल बाजवा को 3 साल का एक्सटेंशन देने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जनरल अशफाक परवेज कियानी को एक्सटेंशन दिए जाने का विरोध किया था। तब उन्होंने कहा था कि अगर हम किसी को बढ़ावा देते हैं तो हम अपने कानून की खिलाफत करते हैं और उसे कमजोर करते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बाजवा का कार्यकाल बढ़ाना इमरान खान की मजबूरी है? क्या अमेरिका के दबाव में इमरान ने ये फैसला लिया, या फिर इमरान खान के इस फैसले के पीछे पाकिस्तान का कोई बड़ा दांव है? औपचारिक रूप से कहा जा रहा है कि भारत की ओर से जम्मू कश्मीर में उठाए गए हाल के कदमों को देखते हुए इमरान खान की सरकार ने बाजवा को सेवा विस्तार दिया है। दरअसल सच्चाई इससे एकदम उलट है, क्योंकि जनरल बाजवा को सेवा विस्तार अमेरिका और खुद कमर बाजवा के दबाव में दिया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि अमेरिका क्यों जनरल बाजवा की सर्विस बढ़ाने के लिए इमरान खान पर दबाव बना रहा था? दरअसल अमेरिका इस समय अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी की नीति पर काम कर रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप का चुनावी मुद्दा भी रहा है और वे इस पर राष्ट्रपति बनने के बाद से ही काम कर रहे थे। इसी सिलसिले में अमेरिका और अफगानिस्तान में सक्रिय तालिबान से बातचीत चल रही है। बातचीत अब निर्णायक दौर में है और बातचीत को टेबल पर लाने और उसे निर्णायक बनाने में जनरल बाजवा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में अगर जनरल बाजवा रिटायर हो जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का उद्देश्य भी प्रभावित हो सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर पर भारत के फैसले के मद्देनजर भी इमरान के पास बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि पाकिस्तानी सेना में जनरल कमर जावेद बाजवा के अलावा इस समय कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के नजरिए से कोई बड़ा रणनीतिकार नहीं है। सेनाध्यक्ष बनने से पहले भी बाजवा जम्मू कश्मीर मामले में पाकिस्तान की रणनीति का हिस्सा माने जाते रहे हैं। वो गिलगित बाल्टिस्तान में मेजर जनरल फोर्स कमांडर के पद पर तैनात रहे हैं। वैसे भी ये जगजाहिर है और इतिहास भी गवाह है कि पाकिस्तान में सेना ही सब कुछ तय करती है। इस लिहाज से भी इमरान कमर जावेद बाजवा को नाखुश करने की कोई भी पहल नहीं कर सकते थे। ऐसे में ये मानना गलत नहीं होगा कि सेना अध्यक्ष बाजवा ने खुद ही अपनी सेवा का विस्तार कर लिया है और इस फैसले में अमेरिका का पूरा साथ बाजवा के साथ था। लिहाजा पीओके और कश्मीर में भारत के एक्शन से घबराए पाकिस्तान पीएम इमरान के सामने बाजवा को पाकिस्तान आर्मी चीफ बनाए रखने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट।